नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल इंडियंस जॉब एंट्री में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले इंडियन नेवी जिसकी ट्रेड्समैन मेट की सिविल की आपकी भर्ती होती है तो दोस्तों उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी दी जाएंगी। तो दोस्तों फैसिलिटी में आपका क्या क्या आता है, आपकी पेंशन, आपकी जो भी मतलब कैंटीन की सर्विस, और आपको वर्दी मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको अपार्टमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारी जानकारी है। तो वो सारी जानकारी इसमें डिस्कस करेंगे, जितनी हो जाएंगी इसमें डिस्कस करेंगे और जो कुछ रह जाएंगी वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत बहुत जानकारी हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेके चलते हैं आपको सीधे बिना किसी रोक टोक की जानकारी पर। तो दोस्तों देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जॉब फैसिलिटी। दोस्तों ये सारी जानकारी जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं ये सब जॉब फैसिलिटी में आ जाती है। दोस्तों यहाँ पर हमने आपके 3, 4, 5 जो भी आपको यहाँ पर दिए हैं, जैसे आपकी यहाँ पर वर्दी है, पेंशन है, कैंटीन की सर्विस है, आपको अपार्टमेंट रहने के लिए जो जगह मिलती है, ठीक है, क्वार्टर वगैरह उसके लिए, और जो भी और एक्स्ट्रा आपके लिए सर्विस होती है वो सब इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है वर्दी की। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सिविल की भर्ती होती है तो इसमें दोस्तों आपको कोई भी वर्दी नहीं मिलेगी, आपको सिविल ड्रेस में जाना होता है और वहाँ पर आपको काम करना होता है, ठीक है। तो आपके लिए वर्दी की जानकारी तो क्लियर होगी कि आपको वर्दी इसमें नहीं मिलने वाली है। अब नेक्स्ट बात आती है पेंशन की। दोस्तों 2006 के बाद से जो भी ऐसी सर्विस थी उनमें पेंशन बंद कर दी गई है, तो अब आपको इसमें कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन आपको फंड वंड जो भी होता है वो सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी, आपका टैक्स वैक्स कटेगा, फंड कटेगा, वो सब आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है, लेकिन आपको पेंशन इसमें नहीं मिलने वाली है। अब कैंटीन की सर्विस आ जाती है। दोस्तों जैसे कि आपको मतलब जो भी मतलब वर्दी वाले डिफेंस सर्विस मैन होते हैं उनको जो भी कैंटीन की सर्विस होती है वो सारी फैसिलिटी आपको कैंटीन की मिलेगी। कैंटीन का आपका कार्ड बनेगा, आप सारी जो भी मतलब उसमें फैसिलिटी है वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो कैंटीन की सर्विस आपको पूरी मिलेगी जैसे मिलती है डिफेंस में, ठीक है। और बात आती है अपार्टमेंट और क्वार्टर की। दोस्तों अपार्टमेंट और क्वार्टर में आपके लिए एक वो होता है कि जैसे अगर आपका जो भी घर है या आप मतलब अगर उसी सिटी में, या आप चाहते हो कि हम तो अपना निजी मतलब खरीद के रहेंगे तो उसमें रह सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट का अपार्टमेंट या क्वार्टर यूज करेंगे तो उसके पैसे आपके हर महीने सैलरी में से कट जाएंगे, मतलब ये कि वो पेड है, आपको फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा। और जैसे कि खाने पीने का, दोस्तों खाने पीने का भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको ही बनाना खाना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ भी आपकी ड्यूटी पड़ती है वहाँ। तो दोस्तों आपको सीधी बात है जैसे प्राइवेट सेक्टर में ड्यूटी करने जाते हो वैसे ही जाना होगा, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा सर्विस आपकी होती हैं जो आपको मिलेंगी, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी होगी अपार्टमेंट तक की। और इसमें वैसे तो कोई ज़्यादा फैसिलिटी है नहीं, क्योंकि आपको कोई बेल्ट की नौकरी आपके लिए नहीं कह सकते इसको, ठीक है, क्योंकि बेल्ट की नौकरी अलग, उसकी सारी फैसिलिटी वगैरह होती हैं। तो आपको ये सिविल में नौकरी करनी है, वहाँ पर पूरा 8-9 घंटे का जो भी टाइम होता है, ठीक है, ये अपार्टमेंट कैंटीन की सर्विस जो भी है वो मिलेंगी, लेकिन आपको पेंशन की सर्विस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों, हमको आशा है कि आपको ये सारी जानकारी क्लियर हो गई होंगी। लेकिन फिर भी आपका कोई भी कैसा भी क्वेश्चन रह गया तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट में लिख देना, उसका जवाब हम आपको दे देंगे, ठीक है। जहाँ तक है हमने सारी जानकारी आपके लिए इसमें इंक्लूड कर दी है, वैसे तो कोई नहीं रहनी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और यहाँ तक हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और आप सभी को हमारी प्यार भरी दिल से राम राम।